तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक और नए पबजी मोबाइल लाइट गेम प्ले वीडियो में। सो आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ ठंडील में। और यार मैं ठंडील में काफ़ी दिनों से रोज़ जा रहा हूँ आजकल, क्योंकि यार ठंडील हमेशा से एक हॉट ड्रॉप बन रहता है जब भी मैं जाता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे भी आते हैं और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अच्छे किल भी निकल जाते हैं। तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लैंड होता हूँ यहाँ पे मुझे गन तो मिल जाती है और मेरे बगल में सामने कुछ बंदे रहते हैं। तो बस देखो कैसे इनके भी पीछे खराब करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, शायद वो अकेला ही बंदा रहता है यहाँ पे। तो बस देखो कैसे उसको ढूंढते हैं और उसकी पीछे खराब करते हैं। मुझे मेरे सामने वाले घर से फुटस्टेप आने लग जाते हैं तो मुझे समझ जाता है कि बंदा बगली में है। तो बस देखो अब ये बंदा शायद से सोलो से स्क्वाड खेल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे रहते हैं। तो बस देखो कैसे उनकी भी पीछे खराब करते हैं आगे। यहाँ पे मुझे अभी भी कई बंदों की फुटस्टेप आते हैं, तभी मुझे ये सामने एक बंदा दिखता है। तो बस देखो अभी इस बंदे को तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ लेकिन ये घर के अंदर चला जाता है। तभी मैं सोचता हूँ कि यहाँ से उस बंदे को देखने की कोशिश करूँ, अगर वो यहाँ पे आएगा तो मैं उसको इजीली नॉक कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे वो बंदा दिखता नहीं है और यहाँ पे उसके बाकी सारे टीममेट भी आ जाते हैं। तो बस देखो यहाँ पे कैसे 1v3 करते हैं। ये बंदा तो मुझे सामने दिखता है और ये यहाँ पे जैसे कूदता है तो मैं इसको फायर देने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये नीचे कूद जाता है। तभी एक बंदा ऊपर आ जाता है मेरे सामने वाले छत पे और मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन ये मुझे भी थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है। तो मैं यहाँ पे बच जाता हूँ और इनके बंदे सब ऊपर आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे इस घर पे आ जाता हूँ और वो सब बंदे मेरे ऊपर पुश कर देते हैं। तो बस देखो कैसे इनकी पिक्चर खराब करते हैं। और इसी के साथ इस स्क्वाड की भी पिक्चर मैंने ईजिली ख़राब कर दी। और सच बताओ तो मुझे ये शॉटगन जो है S1897 मुझे काफ़ी दिनों से अच्छी भी लग रही है, क्योंकि यार इसका फायर रेट बहुत ही अच्छा चलता है, एकदम स्मूथ ये बंदों को ख़त्म कर देती है। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मुझे एस्ट्रल से भी अच्छी लगती है, तो मैं इसको ज़्यादातर उठा लेता हूँ। और इस स्क्वाड की भी पिक्चर मैंने ईजिली ख़त्म कर दी इसके साथ। और यहाँ पर और कोई बंदा नहीं रहता तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लूट करके निकल लेता हूँ आगे बंदों की तलाश में। तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर ख़राब करते हैं। अब मैं गाड़ी लेके यहाँ पे अपार्टमेंट चढ़ जाता हूँ जहाँ पे कुछ टीमें आपस में लड़ रही होती है। तभी मुझे यहाँ पे जब मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ तभी एक नॉक बंदा दिखता है, तो मैं इसकी पहले यहाँ पे किल कंफर्म करता हूँ। और यहाँ पे कुछ बंदे के फुटस्टेप भी आने लगते हैं मुझे घर के अंदर से। तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर खराब करते हैं। और सामने वाले बंदे के पास भी एस्ट्रल के रहती है, तो बस देखो कैसे उसको S1897 वाली शॉटगन से फिनिश करते हैं। अब जैसे ही इस बंदे को नॉक किया तभी मेरी गन यहाँ पे रिलोड पे आ जाती है और इसका बंदा भागा भागा आता है इसको बचाने के लिए। तो बस देखो कैसे उसकी भी पिक्चर ख़राब करते हैं। और ये बंदा पता नहीं कहाँ फायर कर रहा था, तो मैं इसकी पिक्चर इजीली ख़राब कर देता हूँ। और उस एस्ट्रलके वाले बंदे को मारने में जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे एक बॉट आ जाता है जिसको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी भी कई टीमें आपस में लड़ रही होती है, तो बस देखो कैसे उन सभी को भरते हैं। अब यहाँ पे मैं एस्ट्रल के उठा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टीम रहती है। तभी मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन वो फिर से बाहर दिखता है एक तो और बंदा। तो बस देखो कैसे उसको डैमेज देते हैं। अब इस बंदे को इजीली नॉक कर दे, तभी एक और बंदा मुझे दिखता है। अब पहले तो मुझे यहाँ पे लगता है कि वो सिर्फ एक ही बंदा है जो कि पेड़ के कवर के पीछे चला गया है, लेकिन यहाँ पे उसके कई टीममेट रहते हैं और यहाँ पे कभी भी काफ़ी सारे फायर के सामने आ रहे थे। तो बस देखो अब यहाँ पे मैंने एक और बंदे को नॉक किया, तभी मुझे सामने पीले वाले घर से कुछ बंदे फायर के और साउंड आते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्मोक हो जाता है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे दो बंदे हैं सिर्फ जिनकी मुझे किल आगे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी किल नहीं मिलती और यहाँ पे उनकी सारी टीम रहती है। तो बस देखो अब मैं आगे यहाँ पे कैसे मरता हूँ।
यहाँ तो मुझे पता नहीं रहता कि वो सब बंदे रिवाइव हो चुके हैं। तभी मुझे सामने एक बंदा आता है इधर भागते हुए, तो बस देखो कैसे इसको नॉक करते हैं। अब मैं जैसे इसको फिनिश करने जाता हूँ ये घर के अंदर चला जाता है, तभी मुझे सामने से कुछ बंदे दिखते हैं, तो बस देखो। और यहाँ पे मैं फिर पता नहीं कैसे मर गया। अब पहले तो मैं यहाँ पे कवर में आ जाता हूँ, लेकिन पता नहीं वो बंदा मुझे कैसे मार देता है। और ये बंदा वही बंदा रहता है जिसको पहले मैं नॉक कर चुका होता, और ये सारे बंदे रिवाइव हो जाते हैं और पता नहीं ये मुझे कैसे फिनिश कर देते। और इस मैच में मैं आ जाता हूँ स्टेडियम में, और स्टेडियम में यहाँ पे कई सारी टीमें आती हैं, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर ख़राब करते हैं। अब यहाँ पे मुझे VSS और MP5 मिल जाती है, और ये बंदे देखो कितनी देर बाद लैंड आते हैं, तब देखो कैसे इनकी पिक्चर ख़राब करते हैं। अब ये बंदा शायद ऑफलाइन रहता है, तो पहले इसको मैं नॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे लगे तो इसको फिनिश भी कर देता हूँ। और इनके जो बाकी बंदे रहते हैं वो स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, और एक बंदा शायद हमारे स्टेडियम में आ जाता है, और यहाँ पे मेरा टीममेट भी एक दो बंदे को फिनिश नॉक कर देता है। तो यहाँ पे पहले मैं इस बंदे को तो फिनिश कर देता हूँ पूरा, और पहले इसकी किल कंफर्म करता हूँ, और यहाँ पे आगे पहले लूट कर लेके इन आगे वाले बंदों पे जो गए हैं उन पे पुश कर देता हूँ, तो बस देखो कैसे उनकी भी आगे जाके पीछे ख़राब करते हैं। अब यहाँ पे मेरे टीममेट को S20 मिल जाती है, तो वो लगातार सभी बंदों को यहाँ पे नॉक फिनिश करता रहता है, और यहाँ पे वो इस टीम की पिक्चर तो इजीली ख़राब कर देता है। और यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे रहते हैं जो कि स्विमिंग पूल में रहते हैं, तो पहले मैं इन नॉक वाले बंदों को यहाँ पे फिनिश करते हैं, और फिर जाते स्विमिंग पूल वाले बंदे पास, तो बस देखो कैसे आगे भी उनकी पिक्चर ख़राब करते हैं। से यहाँ पे आता हूँ तभी एक बंदा उनका स्टेडियम में चला जाता है, और मेरे एक टीममेट को नॉक कर देता है, और यहाँ पे लगे तो वो फिनिश भी हो जाता है। तभी मुझे ये सामने बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देना चाहता था, लेकिन ये कवर में चला जाता है, तो यहाँ मेरे टीममेट को वो फिनिश कर देता है, और मेरा यहाँ टीममेट दूसरा उसको फिनिश कर देता है। तभी मुझे ये सामने बना देता है, और ये बंदे देखो क्या मस्त कैंपिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे। और पहले तो मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, और भाई लो डैमेज PP वाइजर का, और यहाँ पे मैं दूसरा बंदा मुझे नॉक कर देता है, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट इन सभी बंदों को फिनिश कर देता है, और यहाँ पे पहले मैं रिवाइव हो जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा एक और टीममेट जो रहता है वो बच जाता है पता नहीं कैसे। और यहाँ पे हम सभी बंदों की पिक्चर इजीली ख़राब कर देते हैं, और यहाँ से जल्दी जल्दी लूट करके निकल लेते हैं आगे बंदों की तलाश में, तो बस देखो कैसे आगे सभी बंदों की पिक्चर ख़राब करते हैं। मैं स्टेडियम से गाड़ी लेने निकलता हूँ, तभी मुझे बीच में कुछ बॉट मिल जाते हैं जिनको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है पता नहीं किस बंदों के हाथों। और यहाँ पे उस बंदे के पास कार रहती है, तो यहाँ पे मैं उस बंदे की लोकेशन ट्रैक करता हूँ, तभी मुझे सामने बंदा भागता हुआ दिखता है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन एक कार में चला जाता है, लेकिन अब इससे नहीं बचने वाला मुझसे। अब इस बंदे को तो ईजिली नॉक कर दिया, तभी एक और बंदा यहाँ पे दिखता है मुझे। अभी इस बंदे को मैं ईजिली नॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी भी इसके एक दो बंदे शायद बचे रहते हैं, तो बस देखो कैसे उनके भी आगे जाके पिक्चर ख़राब करते हैं। पता नहीं इनका आखिरी बंदा रहता है वो भाग जाता है यहाँ से, तो पहले हम लोग इन बंदों को फिनिश करते हैं, और यहाँ पे इनके पहले क्रिएट से लूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और आगे जाके देखो बस कैसे सभी बंदों की पिक्चर ख़राब करते हैं। यहाँ पे हम गाड़ी लेके हर जगह बंदों की तलाश करने निकल जाते हैं, तभी मुझे ये सामने कुछ बंदे दिखते हैं, तो बस देखो यहाँ पे कैसे मेरा किल चोरी होता है। अभी इस बंदे को तो मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट इसका किल चुरा लेता है, और अभी यहाँ पे और भी बंदे आगे फाइट कर रहते हैं, तो बस देखो कैसे आगे उनकी भी पिक्चर ख़राब करते हैं। ये बंदे मस्त घास में सांप बने रहते हैं, तो मैं इनको एक बंदे को इनके लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे पहले मेरा सक्सेस फुल सक्सेस होता है, तो पहले मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, और आगे कई बंदे रहते हैं, और ये मतलब मुझे सामने दिखता है, तो यहाँ पे मेरी गलती उन्होंने ले ली है, अब लेकिन इसको मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी भी इसके एक आखिरी बंदा रहता है, तो इन पे मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ, और यहाँ पे इनके अभी भी दो बंदे नॉक रहते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे सक्सेस अपना एडजस्ट करता हूँ, और यहाँ पे उन बंदों पे मैं पुश कर देता हूँ, तो देखो कैसे इनके पीछे खराब करते हैं।
और ये बंदा पता नहीं क्यों सांप बन के क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पिक्चर इसकी इजीली ख़राब कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा इजीली चिकन डिनर हो जाता है। तो भाई लोग यही थी आज की गेम प्ले वीडियो। तो गेम प्ले थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।